हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 10v4 एजुकेशन में। आज का हमारा वीडियो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में करियर कैसे बनाएं इसके बारे में होने वाला है। क्या आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं? ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आभूषण और गहनों के प्रति लगाव पहले भी था, आगे भी रहेगा, इसलिए इस फील्ड में रोजगार की संभावनाएं भरपूर है। ऐसे में अगर आप ज्वेलरी डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके करियर में बेस्ट टर्निंग पॉइंट है। ज्वेलरी डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए आपको 12th में 50% से पास होना होगा। उसके बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग में आप कोर्स कर सकते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट डिप्लोमा से लेकर बैचलर और मास्टर डिग्री तक का कोर्स होता है। ज्वेलरी डिजाइनिंग में आप सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का कर सकते हैं। उस कोर्स की फीस 20 से 40 हज़ार तक की रहती है। और डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा का कोर्स 1 से 2 साल के लिए रहेगा और उस कोर्स की फीस 50 से 60 हज़ार तक की प्रतिवर्ष रहेंगी। वही बैचलर डिग्री अगर 3 से 4 साल तक की होती है और इनकी फीस 3 से 4 लाख की प्रतिवर्ष होती है। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि एक BDS ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, 2 BA ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, 3 BCOM ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, 4 BSc ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट, 5 BBA ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट, 6 डिप्लोमा प्रोग्राम इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, 7 कंप्रेसिव ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, 8 बेसिक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, 9 ज्वेलरी डिज़ाइनिंग फिनिशिंग पॉलिशिंग एंड इलेक्ट्रो प्लेटिनिंग, 10 ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इनग्रेविंग एंड इनमेटिंग, 11 ज्वेलरी डिज़ाइनिंग स्टोन सेटिंग, 12 जेमोलॉजी कोर्स, 13 डायमंड ग्रेटिंग कोर्स, 14 जेमोस्टोन आइडेंटिफिकेशन कोर्स, 15 ज्वेलरी डिज़ाइनिंग क्वालिटी कंट्रोल कोर्स, 16 ज्वेलरी फोटोग्राफी कोर्स। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में हमेशा ही करियर की अच्छी संभावनाएं रही है। आगे आने वाले समय में इसमें रोजगार के अवसर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पहले से सिर्फ सोने और चांदी के गहने पहनते थे, लेकिन आज के समय में सोने चांदी के अलावा भी तमाम तरह की ज्वेलरी है। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आप किसी भी ज्वेलरी मेकिंग कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस फील्ड में अगर फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजर्स के तौर पर किसी का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़कर काम कर सकते हैं। भारतीय ज्वेलरी मार्केट में बड़े बड़े विदेशी ब्रांड, देशी ब्रांड्स कंपनियां जैसे तनिष्क, गिली, नक्षत्र, डी डायमंड्स, ITC लाइफ, टिफनीस, डी बियर्स, गीतांजलि आदि ब्रांड तेजी से इस मार्केट में बढ़ रहे हैं। इसलिए इस सेक्टर में काम करने वाले ज्वेलरी एक्सपर्ट की भी मांग बढ़ती जा रही है। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे लेवल पे जॉब मिल जाती है और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है। जैसे विजुअल मर्चेंडाइजर को 3 से 4 लाख की सालाना पैकेज मिलता है, प्रोडक्शन मैनेजर को 6 से 7 लाख का सालाना पैकेज रहता है, जेमोलॉजिस्ट को 3 से 4 लाख का प्रतिवर्ष पैकेज मिलता है, ज्वेलरी डिज़ाइनर को 5 से 6 लाख का प्रतिवर्ष पैकेज मिलता है, ब्रांड मैनेजर को 9 से 10 लाख का ईयरली पैकेज मिल जाता है, रिटेल स्टोर मैनेजर को 4 से 5 लाख का ईयरली पैकेज मिलता है, डिज़ाइनर क्वालिटी कंट्रोल को भी अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है। उम्मीद है कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।